लगाते रहो, जलने वालों को हरदम जलाते रहो, जलने वालों को हरदम जलाते रहो। सुन्नी इसका करना करना हर दम आगे बढ़ते रहना, जलने वाला हमेशा जलेगा। आला हजरत का डंका बजेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा उसका नंबर भेजिए तो वो दोबंदी फैज का। कौन सा वाला हजरत? जिसने कहा है रात में वो कल का जो मैसेज है, तीन साल बदतमीज किस नस्ल का है जो आपके व्हाट्सएप पे मुगल्लेजात बका है। हेलो। अच्छा 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 अच्छा, वो मुफ्ती वो है, क्या नाम है इसका? मुफ्ती फैजान। लेता हूँ, लाइन पे ले लूँ, आपको दे दूँ नंबर? नहीं, ले लीजिए। कहाँ का है वो? ये आपके तरफ का, ये गाजीपुर के तरफ का। लीजिए लाइन पे। बोलो कादरी साहब। हेलो, बोलिए कादरी साहब। दामद बरकातहू आलिया। मोहम्मद तुफैल रजा शमसुद्दीन हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या हाल चाल है? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बोल रहे हैं आप? फरहान कादरी रिजवी बरेलवी। बरेलवी की झूठ बोल रहे हो? देवबंदी हो तो बरेलवी के बोले? सुन्नत वाल जमात हनफी देवबंदी। अभी देवबंदी तुम बरेलवी बोले हो तो मैंने मजाक से कहा था, ऐसा हंसने के लिए। अच्छा, मजाक तुम्हारे यहाँ मजाक किया जाता है ना? हाँ, मजाक तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हंसने के लिए कोई बात ऐसी मैंने तो मैंने कहा। मतलब अपने अगर अगर तो तुम मजाक में अपने आप को मतलब काफिर भी कह सकते हो? मजाक में तुम अपने आप मजाक में अपने आप को गाली कौन देगा? नहीं तो तुम्ही तो भाई, तुम्हारे देवबंदी तो जो है बरेलवियों को काफिर कहते हैं। बरेलवी एक बरेलवी एक जगह का नाम है। बरेला तुम्हारे बाप का थोड़ी है। बरेलवी 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 एक जगह है, वहाँ के रहने वाले को बरेलवी का राय बरेली नहीं है, ये बांस बरेली जो बांस निकाल देते हैं हम लोग। बांस बरेली जो देवबंदियों के मुंह में घुसेड़ के बाद होते ना, उसे बोलते हैं बरेली। अब देखिए राय बरेली। देखिए साहब, ये है मौलाना, ये अहमद रजा खान चौधरी जो बहुत बड़ा मौलाना है। हमारे मुंह में जो बावती है, गाली गाली सुनी, अब गाली इन लोग के मदरसों में या इन लोग के जामियात में बात सिर्फ गाली ही सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इन लोग बयान भी करेगा, बोलेगा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तमाम सामने जाहिर है। यार ए, मुफ्ती फैजान, ये लड़ने के लिए आए हो, बोलने के लिए आए हो कि मतलब कुछ बात करोगे? तुम लोग से क्या बात करें, तुम लोग पास बताओ मतलब तसल्ली से प्यार से बात करो, जैसे तुम मुफ्ती हो तो उस मुफ्ती क्या मैं क्या बात करूँ बाबू? ए, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, तुमने जो मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लिखा है, एक एक किताब है तहजीरुन नास, उसका इस आयत के मिज़ाक हम तुमको साबित कर रहे हैं। अगर बिल फर्ज बादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो, चलो बताओ तुम्हारा नानोत्वी जो है ये नया नबी कहाँ से ले आ दिया? وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا خان صاحب قبر سے اٹھ کر آئیں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ سکے گا، ورنہ تمہارے میں قابلیت نہیں ہے۔ قبر سے اٹھ کر آئیں گے یا ان کے قبر کے پاس رکھ دو، رات میں اٹھ کر وہ پڑھیں گے، تم لگے نزدیک تو وہ زندہ ہے اور کتاب سے پڑھتے ہوں گے۔ अरे भाई तहजीर उन्नास तुम लोग जैसे चौथाई के समझने के लिए मुमकिन नामुमकिन है। आमीन, इसके पास जवाब नहीं है, ये इधर उधर जवाब क्या देगा? तुम लोग जाहिल हो, जवाब उसका जवाब लिखी गई उस वक्त से जवाब दे
दी जा चुकी है। कहाँ कहाँ अब क्या जवाब दी जाएगी? किसने दिए जवाब? किसने दिए जवाब? अरे भाई लियाज गुम्मन साहब ने, लियाज गुम्मन साहब ने कहाँ दिया जवाब? तो कुछ झूठ बोला है, तो कुछ झूठ बोला है। अब तुम जो जवाब देगा तुम उसको बोलेगा झूठ बोला है। खुद झूठ बोला है। जिस शख्स ने जवाब दिया है उस शख्स को तुम बोलोगे झूठ बोला है, तो इसका जवाब क्या कह रहा है? अब भाई तुम झूठे होने का इल्जाम लगा दो, सबसे बड़े झूठे ये बताओ, जमीन ये बताओ, जवाब दिया किताब का नाम बताओ सफा। जमीन पर अगर कोई शख्स झूठा है तो बरेलवियों से ज्यादा झूठा कोई शख्स बताओ। मैं इस बात को दलील के साथ बिल्कुल बात बयान कर सकता हूँ। ये बताओ नूर हसन, इससे जब बात होगी, जब इल्मी बात होगी तो बोलेगा ड्राइवर है। मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ, जब मेरे शरीर की बात करना, मेरा फील्ड की बात करना, मेरे फील्ड की, तो बोलेगा ड्राइवर हूँ। अरे लोगों का हाल तो शुतुरमुर्ग की तरह है। अच्छा ये बता, आ जाता है, मैं तो आसमान पे उड़ता हूँ। मुर्ग की तरह है सर, हर हाल में मुसलमानों। ये है देवबंदियों की हालत, ये इतनी पतली हालत हो गई है, बौखला गए हैं, शिकार हो गए बौखला। अभी लोग गाड़ियाँ बनवाते हैं मुझे, हमसे कई ये लोग डेली गाड़ी मुझे बनवाते हैं, मगर किसी में हिम्मत नहीं है जो बात कर सके। जलील खार हुआ है फिर भी ये शख्स बात करता है, बड़ी बड़ी डींगे मांगता है। अरे भैया ये शख्स जो है इतना बड़ा दज्जाल और फरेब दज्जाल है, सबसे बड़ा सच है। एक भी वीडियो ये दज्जाल है, बहुत ही बड़ा दज्जाल है। एक भी वीडियो डाला है भाई, तो पूछ रहा है एक भी वीडियो। और भाई मिसाल के तौर पे ये अच्छू खैरे खैरे नथू खैरे का वीडियो क्या डाला जाए? मैंने तो जो बात किया हाशिम रजा कादरी से, जो बात किया मैंने, उनका वीडियो डाला है, जिनको देखना उनका वीडियो। ये ड्राइवर लोग हैं, दोनों ड्राइवर हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिरी नहीं मानना, ये आवाम का ख्याल है, आलिमों का भी है दोनों। अभी लोग क्या, मैंने पूछा हुजूर को आखिरी नबी मानना ही आवाम का ख्याल है, आलिमों का भी। बात आई है न अहलों, मुसलमानों ये सुनेगा भी नहीं और कयामत तक जवाब नहीं देगा। जैसे कि खिंजीर के गले में सोने का पत्थर डालता है, और काटो उसका अहल है। हाँ ये बात की अहलियत नहीं देता है, सारे जितने भी देवबंदर है ऐसी हालत हो जाती है। आज मैंने नगर मोहम्मद को लाइन पे लिया था, बोला मेरी तबीयत खराब है, वीडियो डाल के कुछ पैसा कमा लिया था। ये मुफ्ती है देवबंद का, ताकि लाल। अरे ये सिर्फ मुफ्त का मुफ्ती है ना, कि इफ्ता से सिर्फ जो है ये बकते, ये कहना में बकेगा और ये हम लोग की सुनेगा नहीं, इसके पास जवाब नहीं है। जब इसके सामने नानोत्री की इबारत रखती है, अगर बल्कि बिलफर्द बाद जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क न आएगा। इसको जो है आए बाएं साएं करने लगा, समझ रहे हैं? यही हालत है इनकी, यही औकात है इनकी। इसको यूट्यूब पे डालो, हम समझे ये जाहिल है, जलुल कायनात, ये मुफ्ती बनता है, ये बहुत बड़ा जाहिल है। इसको यूट्यूब पे डालिए, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह डालता हूँ। जाहिल की लोग जहालत देखें। जी जी जी।